पर्यटन विकास परिषद मनाली और IDFC फास्ट बैंक ने पहली बार शुरू किया फास्टिंग आधारित ग्रीन टैक्स भुगतान सेवा। आज पर्यटन नगर मनाली में विकास परिषद मनाली और IDFC फास्ट बैंक की ओर से फास्ट टैग का उद्घाटन डॉक्टर आशुतोष गर्ग ने किया। उनके साथ नगर पालिका के अध्यक्ष चमन पार्षद मनोज व अन्य उपस्थित रहे। डॉक्टर आशुतोष गर्ग ने बताया कि मनाली के एंट्री पॉइंट पर अब फास्टिंग बैलेंस का उपयोग करके डिजिटल रूप से ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। यह समय बचाने के साथ साथ डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित करता है। मनाली से शालू की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये जो ग्रीन टैक्स बैरियर है ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार इसको शुरू किया गया था और अभी तक जो है यहाँ पे जो भी स्टेट के बाहर से व्हीकल्स आते हैं उनसे मनाली और आसपास के क्षेत्रों में टूरिस्ट एमिनिटीज बनाने के लिए जो है चार्ज किया जाता था, ये कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर करी जाती थी। सो इसको आप फास्टैग के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसमें हमें बहुत सहयोग रहा, जो IDFC है एक्वायरिंग बैंक जिन्होंने हमें ये सेटअप करने में मदद करी, NPCI और IHMCL जिनके साथ हमने MOU किया इसको सेटअप करने के लिए। तो इससे अब डेफिनेटली जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे जो लंबी लंबी कतारें लगती थी उससे निजात मिलेगी और साथ ही साथ जो है उसकी पूरी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। हमारे पास डेटा भी रेडली अवेलेबल रहेगा कि किसी पर्टिकुलर दिन में कितने व्हीकल्स आए हैं और कितने व्हीकल्स मनाली एंटर किए हैं। तो ये सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि जो इससे राशि एकत्रित होगी इसको हम लोग मनाली और आसपास के क्षेत्रों में टूरिस्ट एमिनिटीज़ के लिए, टूरिस्ट संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक्स।